ज़्यादातर लोग रमज़ान को एज ए मंथ ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जबकि उससे पहले प्रैक्टिस है, उस मंथ में असल में अमल है, और वो अमल आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बहुत से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि यार नमाज मैं अभी नहीं शुरू करूँगा, रमज़ान आने दो, रमज़ान में 5 वक्त शुरू कर दूँगा, सुनते भी अदा करना शुरू कर दूँगा। तो वो एक गलती है मेरे नज़दीक, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे रमज़ान में, डेफिनेटली बहुत से लोग चेंज होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अभी से शुरू करें और उस मंथ में बढ़ाएं, मज़ीद बढ़ाएं इन चीज़ों को। इसी तरह किसी को लगता है कि उसे किसी ख़ास दुआ की याद करने की ज़रूरत है रिस्क बढ़ाने की, तो वो रिस्क की दुआएँ निकाले, याद करना शुरू कर दे, बरकत की दुआएँ निकाले, याद करना शुरू कर दे। बहुत सी दुआएँ, हिस्नुल मुस्लिम एक दुआ की किताब है, तो ये अभी से याद करें और मखसूस दुआओं का एक पैकेज बनाएं, पूरा प्रिपेयर करें कि जी ये इफ्तारी से पहले मैं ये दुआएं करूँगा। क्योंकि इफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, पक्की बात है, अल्लाह ताला क्योंकि राज़ी होते हैं उससे। तो डेफिनेटली ऐसा बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह के यहाँ उस दुआ की बड़ी कदर है। लेकिन वो क्या दुआएँ होंगी ये आपको अभी से सोचना चाहिए। स्पेसिफ़िक, जितनी दुआ स्पेसिफ़िक है उतना अल्लाह को पसंद है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। इतना स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक कि नाम तक पता है मुझे कौन बंदा चाहिए वज़ीर, हारून। हमारी दुआएं स्पेसिफिक तो नहीं होती, जनरल होती है, अल्लाह नेक बना दे, नेक बना दे, ये दुआ होती, ठीक है, अच्छी दुआ है। लेकिन बी स्पेसिफाई किस किस्म का नेक बना दे, कितना नेक बना दे, किस लेवल का नेक बना दे। जितना अल्लाह से स्पेसिफिक होंगे उतना आपकी सीरियसनेस शो हो रही है, ठीक है ना। हज़रत मूसा को पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा सीना खोल दे, मिशन के लिए ये चीज़ चाहिए उन्हें, फिर मेरी ज़बान जो है उसमें रवानगी पैदा कर दे, उसमें लुकनत है उसमें रवानगी पैदा कर दे, और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे जो टास्क मैं करने चाह रहा हूँ, और मेरा एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, और वो वज़ीर हो कौन, वो हारून हो, कौन मेरा भाई हो। तो ये दुआ का फ़लसफ़ा है, ठीक है। ये फ़लसफ़े को जहन में रखते हुए दुआएं जो हैं वो तश्कील दें, उनकी लिस्ट बनाएं, और वो दुआज आप अफ्तारी पे करें, एक प्लान के साथ करें। रमज़ान में बेशक दुआएं कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, जॉय। इसमें खुश ही रहना चाहिए और खुश रहने की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और ये याद रखें कि एक खुशी का ज़रिया है रोज़ा खोलना, दूसरा खुशी का ज़रिया ये सोचना है कि अल्लाह सुभाना व ताला क़यामत वाले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो उसकी खुशी मोमिन को अभी से फ़ील करनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात एक जो रोज़ा मुझे सिखाता है, मैं सोच रहा था एक दिन तो मैंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इस पर गौर करें। और वो बड़ी बात यह है कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, तो हम आने वाले 11 मंथ्स में हराम भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ें हलाल हैं, खाना पीना, बीवी के साथ ताल्लुक, ये सारे मामलात हलाल हैं, लेकिन जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह हम इनको बैन कर लेते हैं अपने लिए कुछ देर के लिए, सुबह से शाम के लिए, और वो अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करता है और हम कर सकते हैं। रोज़ा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने किया रमज़ान में, तो आगे जाकर करने में क्या मसला है। देखें, हराम पे तो इतना अल्लाह ताला, ऐसी ऐसी अहदीस मौजूद है कि अल्लाह का गज़ब आता है, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाले अमाल उनकी पूरी लिस्ट बयान है। तो कैसे एक बंदा जो है वो ये जुर्रत कर लेता है कि हलाल तो छोड़ दिया अल्लाह के लिए लेकिन हराम नहीं छोड़ा रमज़ान के बाद। वजह यही है कि रमज़ान में सही माइंड सेट के साथ हम एंटर ही नहीं होते, हम उसको मंथ ऑफ चेंज लेते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि बस मिरेकुलसली हम रोज़े रखेंगे और बस मौजज़ाती तौर पे हम चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई बहुत ख़ास रहमत हो। बहुत से लोग ज़ाहिर है वो एक बात से भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, चेंज होने के लिए राइट माइंडसेट चाहिए। वही बात है, इन्नमल आमालु बिन्निया, जब एक बंदा ख़ास नीयत और माइंडसेट के साथ एक जगह एंटर हो रहा है फिर ही वो चीज़ उसे फ़ायदा देगी, फिर ही वो उसका सही से फ़ायदा उठा सकेगा। ये सारे जो तकवे के मैंने आपको औसाफ़ बताए, कम खाना, कम सोना, कम गुफ्तगू करना, सच बोलना, ज़बान की हिफाजत करना,
अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के करीब होना, इन सब का ताल्लुक रोज़े को जाग कर गुजारने से, सही से गुजारने से। तो अगर हम सो ही, जाहिर है सहरी के बाद रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन ऐसी भी होती है, तो मोस्ट ऑफ़ द डे हमारा फिर जाहिर है सो कर गुजरेगा, और ना हमें इतनी को भूख प्यास लगेगी, ना हमें को महसूस होगी भूख प्यास, तो वो वाला हम भी मकसद नहीं अचीव कर रहे। जाहिर है जब इंसान भूख प्यास में होता है तो उसके बायोलॉजिकल फ़ायदे बहुत हैं, जब इंसान भूख और प्यास में होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे हेक्टिक सिस्टम है, उसमें कोई 7-8 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो सबसे जो भारी सिस्टम है, हेक्टिक सिस्टम है, वो रेस्ट पे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अच्छा रन करता है, नर्वस सिस्टम अच्छा रन करता है, इंसान के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे रन करते हैं, ऑप्टिमल लेवल पर होते हैं, तो खून का फ्लो बेहतर हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत बेहतरी आती है। इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि अब तो गोरे फास्टिंग करते हैं।